मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माता पिता उसका नाम रखने से पहले ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। लेकिन कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, और जो किस्मत में लिखा होता है वो आपको ज़रूर मिलता है। बस ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के इन दो युवाओं के साथ। माता पिता चाहते थे कि भाई बच्चे पढ़ लिख कर ऑफिसर बने, अच्छी नौकरी करे, लेकिन इन बच्चों की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे ऑफिसर तो नहीं बने लेकिन चाय ज़रूर बेचने लगे। लेकिन ये चाय वाले कोई आम चाय वाले नहीं हैं, दरअसल चाय बेचकर अब ये करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। भारत में आमतौर पर पानी के बाद अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पी जाती है तो वो है चाय। अब ऐसे में अनुभव और आनंद नाम के इन दो युवाओं ने लोगों के इस ज़रूरत को अपने बिजनेस के आइडिया में तब्दील कर दिया। लेकिन अनुभव और आनंद को यहाँ तक आने के लिए अपने माता पिता के सपनों को तोड़ना ज़रूर पड़ा, क्योंकि अनुभव दुबे के माता पिता ने उन्हें पढ़ाई के लिए इंदौर भेजा था। यहाँ पहली बार अनुभव की मुलाकात आनंद नायक से हुई। दोनों साथ में उन्होंने पढ़ाई करते थे तो दोस्ती भी गहरी भी होगी, लेकिन ये साथ ज़्यादा दिन का नहीं था, क्योंकि आनंद नायक ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अपने ही किसी रिश्तेदार के बिजनेस में उसका हाथ बटाने लगे, और अनुभव दुबे इंदौर के बाद UPSC की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए। अनुभव दुबे के माता पिता अपने बेटे को IAS ऑफिसर बनता देखना चाहते थे, तो बेटा भी उनके सपनों को अपनी मंजिल बनाने की कोशिश में जुट गया। जहां दोनों ही अपनी मंजिल की तलाश में जुट चुके थे, तो वहीं सब इस बात से अनजान थे कि भाई तकदीर उन दोनों की किस्मत में कुछ बड़ा लिखने जा रही है। एक दिन अचानक किस्मत ने दोनों को एक बार फिर मिला दिया। दोनों ने मिलकर एक बिजनेस प्लान किया, और वो बिजनेस था चाय का, जिसकी नींव दोस्ती के रिश्ते पर रखी गई। टारगेट थे यूथ। इंदौर की तंग गलियों में एक छोटी सी चाय शॉप जिसकी मॉडल और टेस्ट दोनों यूनिक थे। नाम रखा गया चाय सुट्टा बार। 2016 में 3 लाख रुपए की लागत से खोली गई ये शॉप आज कोई नॉर्मल शॉप नहीं है। लेकिन कैसे इस आम से दिखने वाली दुकान को इन दो दोस्तों ने एक ब्रांड बना दिया, ये कहानी बेहद खास है। कभी किराए पर रूम लिया, कभी कुछ सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा गया, दोस्तों से पैसा उधार भी लिया गया, लोगों के ताने भी सुने, लेकिन बावजूद इसके आनंद और अनुभव के बुलंद सपनों को ये तमाम परेशानी तोड़ नहीं पाई। और फिर एक दिन वो दिन भी आया जब दोनों की मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे, अच्छी खासी आमदनी होने लगी, और ये वो वक्त था जब दोनों की जुबान पर दो दोस्तों की चाय का स्वाद अब रुकने लगा था, और धीरे धीरे चाय सुट्टा बार नाम फेमस होने लगा। कभी लोगों की नब्ज पकड़ने इंदौर में चाय की सिर्फ एक दुकान खोली गई थी, और आज वो 200 से भी ज़्यादा आउटलेट्स में तब्दील हो गई, और जिसका टर्नओवर सिर्फ एक दिन का ही 30 लाख रुपए है। तो देश भर में चाय सुट्टा बार के आउटलेट्स में हर दिन 18 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, जो अलग अलग तरह के स्वाद की चाय पीते हैं, जिसमें देखिए अदरक, इलायची, पान, केसर, तुलसी, नींबू और मसाला चाय, ये तमाम चाय शामिल है। तो चाय सुट्टा बार के मेन्यू में 10 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की चाय है, और जल्द ही वो लोग अपने आउटलेट्स की संख्या बढ़ाने वाले हैं। उनकी कोशिश है कि भाई देश भर में हर छोटे शहर में भी चाय का एक ऐसा मॉडल हो जिससे गरीबों को भी रोज़गार मिल सके। ये लोग फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करते हैं। चाय का फॉर्मूला फ्रेंचाइजी चलाने वाले के पास भेज दिया जाता है, और जिसके लिए वो कुछ कमीशन भी चार्ज करते हैं, और बाकी का पैसा बिजनेस आउटलेट चलाने वालों के हिस्से में चला जाता है। तो आपको बता दें कि भाई फ्रेंचाइजी मॉडल लेने वाले से चाय सुट्टा बार 2 से 6 लाख रुपए लेते हैं। तो देखा आपने कि कैसे माता पिता का सपना था कि बच्चे ऑफिसर बने, और बच्चों ने जो बिजनेस खड़ा कर दिखाया वो आज उनके माता पिता के सपनों से भी कहीं ज़्यादा ऊंचा उड़ रहा है। अब एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई चाय सुट्टा बार की ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।